हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऐसा करेंगे आप लोग ठीक होंगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर यहाँ पे मैं अपने सुबह के खाने की तैयारी कर रही थी और बेटी कह रही थी कोई आया है, तो बस मैं देख रही थी कि कौन आया है। फिर यहाँ पे मैं कढ़ी बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से कढ़ी नहीं बनाई है, और आज मैं बैंगन और टमाटर वाली कढ़ी बना रही हूँ क्योंकि लेट हो गई थी तो फिर पकौड़ी बनाने का टाइम नहीं था, तो बस मैंने कहा चलो इसी को बना लेते हैं, बैंगन और टमाटर वाली को। ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, खैर मुझे तो पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, क्योंकि जब इसके बैंगन जो है ऑयल में एकदम से पक जाते हैं तो सौंधे सौंधे लगते हैं खाने में। तो कभी कभी टेस्ट बदल लेना चाहिए, हमेशा एक जैसा नहीं होना चाहिए। और नए घर में आने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मीन्स अच्छा टाइम कट रहा है। थोड़ी सी बोरियत होती है जैसे दोपहर टाइम में हो गया, क्योंकि आंटी जी लोग आ जाती थी, भाभी आ जाती थी, मैं उनके पास चली जाती थी, तो हमारा अच्छा टाइम निकल जाता था। बट अभी यहाँ पे आ गए हैं तो यहाँ तो आसपास ऐसा कोई है भी नहीं, पर कोई नहीं, अपना घर है तो खुशी बहुत ज़्यादा है और टाइम निकल जाता है क्योंकि थोड़ा बहुत रेस्ट किया। और फिलहाल अभी मेहमान भी कोई ना कोई रोज़ रोज़ आ जाते हैं, जो लोग रह गए थे उस टाइम पर नहीं आ पाए थे जैसे गृह प्रवेश वाले दिन, तो जो है आ जाते हैं काफ़ी लोग। जैसे हुआ कभी तो इधर आए तो आ गए, या फिर अलग से भी आ जाते हैं। जैसे होता है कि जो लोग टाइम पे नहीं आ पाते हैं उस दिन नहीं आ पाते हैं तो आ जाते हैं। और यहाँ पे बातें बातें मैंने अपनी कढ़ी वो कर दी है, छोक दी है। इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने सारे सूखे मसाले ऐड कर दिए हैं, जब तक ये पकती है फिर मिलती हूँ अभी आप लोगों से थोड़ी देर देर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करेंगे आप लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो अभी अभी आया है मेरा पार्सल, और पार्सल में आई है ये टोकरी। सुबह कैमरे से दिखाती हूँ आप लोगों को, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। सो यहाँ पे ना आप लोग देख सकते हैं टोकरी काफ़ी अच्छी है क्वालिटी इसकी, और जो है जैसे इतने पैसों के हिसाब से अच्छी है, 250 रुपये की आई है और पैसों के हिसाब से अच्छी है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे बर्तन धोने के लिए आ गई थी, तो आप लोग कहेंगे नई टोकरी का इंतज़ार कर रहे थे। सो हाँ, मॉर्निंग में ही आ गई थी और बर्तन बिल्कुल भी नहीं धोते बनते थे इस तरीके से, इस पर सैलब पे रखते ही नहीं बनते थे, पानी जो है उल्टा जाता था और पूरी किचन की सैलब जो है गंदी हो जाती थी, गीली हो जाती थी। सो फिर मैंने इसको जल्दी से ऑर्डर किया और बहुत जल्दी आ गई है, फास्ट आ गई है, वरना फिर मीशो से थोड़ा सा लेट आता है सामान। नए घर के लिए चीज़ें थोड़ी थोड़ी मैं मंगाते जा रही हूँ अपनी नए घर को सजाने के लिए, तो धीरे धीरे ही सजेगा, एकदम से तो खैर नहीं सजेगा, थोड़े धीरे धीरे ही सजेगा। और इसके नल भी मुझे चेंज करवाने हैं क्योंकि ये प्लास्टिक के उस टाइम पर जल्दी जल्दी मैं लगवा दिए थे, क्योंकि जब जहाँ से हम लोग सामान लेते हैं वहाँ पे उनके पास पूरा माल नहीं था, तो वो बोले फिलहाल के लिए एक दो चीज़ें जहाँ की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ का लगवा लो। सो हम लोगों ने चल कहा चलो ठीक है, दो तीन जगह की ज़रूरत थी, जैसे ही लाइट बात की हो गई, किचन की हो गई, तो अभी नहीं वो करे हैं। इसके बाद फिर हम लोग मम्मी के घर पहुँच गए थे, तो यहाँ पर मेरी जो है छोटी वाली बहन के बेटे का होना था, पास नहीं होनी थी अन्नप्राशन, तो बस वही हो रहा था। यहाँ पे मामा करते हैं तो बस भैया बैठे हुए हैं, हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं, तैयार हो गए हैं। मैं तो खैर तैयार होकर ही गई थी, और जो अष्टदल कमल बना दिया गया है, हमारे यहाँ चौक बोलते हैं इसको, से चौक बना दिया गया है। भाभी लोग भी तैयार होकर आ गए हैं, सभी लोग आ गए हैं। सो यहाँ पे बस जो है उसको खिलाया जाएगा चांदी की कटोरी और चम्मच से, चांदी की गिलास से पानी पिलाया जाएगा, जो जिसके पास होता है वो दे देता है ना, तो देने के ऊपर होती है, अपनी अपनी श्रद्धा के ऊपर होता है कि किसको क्या देना है। सो इसको आज जो है खीर खिलाई जाएगी, क्योंकि खीर खिलाई जाती है शहद से, ओम लिखाया जाता है जीभ पर, और जो है आम की दातुन कराई जाती है, क्योंकि आज के बाद से वो खाना स्टार्ट कर देगा। सो यहाँ पे बस वही हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि उसके सोने का टाइम था और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे सब लोग आते आते, तो उसको आलता लगाया तो उसको ठंडा ठंडा लगा एकदम, तो रोने लगा। यहाँ पे देखो उसके पैर भरे जाते हैं, क्योंकि दो चार बार ऐसे होता है जैसे चौक होता है, वो होता है अन्नप्राशन होता है, तो इसमें वो किया जाता है। यहाँ पे देखो अभी को देखो, बस उसको तो साथ साथ में ही शैतानी करनी है। और दोनों बच्चों के कपड़े सेम सेम हो गए थे, उसके लिए मैं जो है कपड़े लेके गई हुई थी अपने भतीजे के लिए, तो कह रहा था मुझे भी लगवाना है आलता, तो ये देखो उसने भी लगवा लिया। और मामा को भी लगाया जाता है, तो बस मामा को भी लगा दिया, क्योंकि छोटे वाले भैया को लगा था ना उसको काव्यांश को, तो इसको भी लगा कि मुझे भी चाहिए, कि मुझे भी लगवाना है, तो बस ये देखो लगवा लिया और खुश हो गया। तो अपने बड़े पापा के पास बहुत ज़्यादा खुश रहता है वो, कोई दूसरा बच्चा ले नहीं सकते हैं वो। तो यहाँ पे देखो बैठ गए वो साथ में, और इसके बाद फिर
तो ये आई हुई थी भाभी, तो ये आलता लगाएंगी सभी को। इसके बाद यहाँ पे उसको खिलाया जाएगा और सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। तो देखो इसके पैर के निशान बनाए जाते हैं, छाप बनाई जाती है पैर की, तो पैर की छाप बना दी गई है। और इसके बाद फिर इसको खिलाया जाएगा खाना, क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि भांजा हुआ, भांजी हुई तो बहुत ही ज़्यादा वो होता है। तो बस यहाँ पे दातुन करा दी गई है, ओम लिखा दिया गया है एंड इसके बाद पानी पिलाया जाएगा। पानी पिलाने के बाद फिर इसको खीर वगैरह चटाई जाएगी। खाएगा तो खैर अभी है नहीं, क्योंकि 5 महीने का है, अभी क्या खाएगा। तो इसको थोड़ा सा खिला देंगे, मीन्स नैंग हो जाएगा। सो देखो कितना रो रहा था, परेशान कर रहा था। और बस यहाँ पे तैयार वगैरह हो गया है सभी लोग, तो जितने मेरी कॉलोनी के थे मम्मी के यहाँ के, मामी जी और आंटी जी, बस 2-4 लोगों को ही मम्मी ने बुलाया था, क्योंकि ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और बस हो गया, कह रही थी चलो ठीक है, ज़्यादा लोगों को बुलाने से क्या होगा। सो मामा मामी जितने लोग होते हैं सभी लोग खिलाते हैं उसको। आज के दिन अच्छा होता, कहते हैं कि अन्नप्राशन इसी तरीके से होता है, मुहूर्त देख के होता है। सो 5 महीने का हो गया, 6वें महीने में, 6 महीने में होता है, तो 6 महीने का 12 तारीख को होगा, हो जाएगा। सो जब तक आप लोगों को वीडियो मिलेगा तब तक तो हो जाएगा, 1-2 दिन पहले ही हो गई है, मतलब मीन्स 12 तारीख के। सो हो गया था, बस यहाँ पे टीका वगैरह लगा दिया, छोटे मामा मामी खिला रहे हो साथ के साथ में। मैं अपना वीडियो बना रही थी, फ़ोटो भी निकालते जा रही थी साथ के साथ में। सो यहाँ पे देखो कैसी वो आई हुई है, फ़ोटो आई हुई है। और बस फिर खिलाने के बाद हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह निकाली। सो फोटो मैं आप लोगों को कम्युनिटी पे दिखाऊंगी, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी। बस यहाँ पे निछावर कर दी है, निछावर दी जाती है जो कि नाई आता है उसको। और इनको देखो पूर्वी उसके बाल खींच रही है, एक तो है नहीं उसके बाल, ऊपर से खींच रही हैं। सो यहाँ पे उसको जो है हाफ पहनाई जाएगी, क्योंकि अभी उसका चौक नहीं हुआ है, चौक उसका होगा, जब चौक होगा तब उसको भेजाई जाएगी हाँ, लेकिन अभी पहने नहीं था वो हुआ, तो मम्मी बोल के हाफ पहना देते हैं। सो मम्मी हाँ ले आई थी, और चांदी की कटोरी वगैरह ये सारा कुछ, गिलास चम्मच भाभी ले आई थी। सो बस हो गया उसका भी, और अदिति को भी खिलाना था, कह रही थी मैं भी खिलाऊंगी, मैं भी दीदी हूँ। सो उसने आज सूट वेयर किया हुआ है अदिति ने, देखो। और यहाँ पे बस फोटोज़ वगैरह क्लिक हो रही थी, तो ये देखो और हाफ पहना दी है। तो बस इसके बाद हो गया, कहते हैं कि अभी से दांत निकलना हो जाता है ना स्टार्ट, तो बच्चों को मामा के यहाँ से दांत भी बनवा के दिए जाते हैं, चंद्रमा हाथ, इससे नज़र नहीं लगती ऐसा कहा जाता है, बट पता नहीं। यहाँ पे गाने वगैरह हो रहे थे, गाना बजाना हो जाएंगे, लाइट थोड़ी सी कम थी कि बाहर है। और इसके बाद फिर खाना वगैरह खाएंगे, खाना वगैरह खा लेने के बाद अपने घर आ जाएंगे। तो यहाँ पे गाने हो गए हैं, थोड़ी सी मैंने दूसरी लाइट भी जला दी थी बट वो नहीं था, मुझे भी ढोलक सीखना है। एक साइड में यहाँ पे आलता लगाया जा रहा था, जो भाभी लोग आ गए थे 2-4 लोग, मम्मी ने अपनी कॉलोनी से ही बुलाया था, बाकी के कहीं से नहीं बुलाए थे, मीन्स ऐसे कि दूर से कोई आया हुआ है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और शादियों का सीज़न चल रहा था फिलहाल में, तो फिर उस टाइम तो वो हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं, तो शादियों के सीज़न में लोग आ भी नहीं पाते हैं, ऐसे बोला था मुझे। और नए घर में बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। सो यहाँ पे बस मैं नेक्स्ट डे नहीं उसी दिन रात में आके मैं तरबूज काट रही थी कि बच्चे खा लें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।